तो भैया सब कुछ अपन ने खोल लिया है, तो कुछ दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपने कॉन्सेप्ट में प्ले है जैसे कि देख सकते हो आप, तो इसी के कारण दोस्तों वो जैम हो चुका था। तो अभी दोस्तों अपन इसे निकाल के अंदर के जो छर्रे हैं वो बदलेंगे। अगर से लगता है दोस्तों ये ऊपर वाला है तो अभी चेंज करते हैं दोस्तों इसे। तो आपको एक बार बाइक की कंडीशन भी दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से अपनी बाइक है, तो जैसे कि देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों, जैसे अपन 70 के ऊपर जाते थे तो सामने से अपनी बाइक काफ़ी ज़्यादा बबलिंग करती थी ऐसे कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों अपना जो क्रैशेस है इसके ऊपर होने वाला है, तो चैनल पे बने रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये अपनी पल्सर 220, इसमें दोस्तों अपन ने कौन सेट का काम किया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों, अपनी बाइक पीछे से एक बंदे ने ठोक दी थी और इसमें दोस्तों थोड़ा बहुत हमें डैमेजेस आया था, वो आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डैमेजेस आया था। तो ये वाला बार दोस्तों इधर झुक चुका था। और दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों, ये जो एडजस्टर है इसे हमने चेंज किया है, जैसे कि देख सकते हो। इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। और ये दोस्तों हमारा थोड़ा मुड़ गया था, ये भी अपन ने काम किया। और इसके बाद दोस्तों मेजर प्रॉब्लम अभी आना स्टार्ट हुआ था दोस्तों हमें, इसका जो चेन सेट कोन है जैसे कि देख सकते हो आप, ये कुछ दोस्तों इसके जो छर्रे होते हैं, इसके जो अंदर के बॉल होते हैं वो घिस चुके थे और इसमें दोस्तों प्ले आ चुका था, और उसके कारण हाई स्पीड पे हैंडल अपना अनकम्फर्टेबल था। ये हुआ पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों, जैसे अपन 70 के ऊपर जाते थे तो सामने से अपनी बाइक काफ़ी ज़्यादा बबलिंग करती थी ऐसे कुछ इस तरीके से, और 60 के नीचे तो अच्छी खासी चलती थी। तो ये दूसरा इशू दोस्तों। और तीसरा इशू ऐसा था दोस्तों, जब भी अपन ट्रैफिक या सिटी में बाइक लेके जाते थे तब दोस्तों इसका हैंडल जो स्टेयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता था, और कभी कभार दोस्तों काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता था इस हैंडल को मुड़ाने में। और कुछ ये तीन प्रॉब्लम अपने बाइक में आना स्टार्ट हुआ था। और ये तीन प्रॉब्लम किस कारण से आए थे वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों अपनी बाइक उस बंदे ने यहाँ से हिट की थी कुछ इस प्रकार से, तो अपना तो ये तो मुड़ चुका था, और यहाँ पे भी दोस्तों थोड़ा बहुत क्रैशेस आए थे अपना। तो इसका भी वीडियो जल्दी आएगा दोस्तों चैनल पे, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही उसने यहाँ से ठोकी थी तो अपनी बाइक दोस्तों वो हैंडल दोस्तों इसके साथ और इसके ऊपर गिरी थी, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रैशेस आया है। और दोस्तों ये दोस्तों यहाँ अंदर मुड़ चुका था, और ये दोस्तों यहाँ से मुड़ चुका था, मतलब दोस्तों गाड़ी का जो भी वेट है इसने और हैंडल ने ले लिया था। तो इस कारण से दोस्तों हमें ये दो तीन प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपना प्रॉब्लम था, और यही चीज़ें दोस्तों मैंने बजाज में जाकर उन्हें बताई। तो दोस्तों हमारे जो यहाँ पे बजाज का सर्विस सेंटर है वहाँ पे हमें 2 या 3 दिन के बाद बुलाया, तो दोस्तों इतना तो टाइम हमारे पास नहीं था। तो इस कारण से दोस्तों हमने ये बाइक बाहर दिखाई, और जिसके पास से दोस्तों अपन ने ये काम किया उसने बाइक चलाई, तो उसने दोस्तों डायरेक्ट हमें इसका जो कौन सेट है उसके जो अंदर के जो छर्रे हैं वो डालना पड़ेगा। तो इस कारण से दोस्तों हमने वो काम किया, और इसका भी दोस्तों अपन ने वीडियो बनाया, पूरा तो नहीं बनाया पर प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया, इसमें मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप वो भी वीडियो देखिएगा। और पूरा ना बनाने का कारण ऐसा था क्योंकि दोस्तों हमारे जो ये बाइक का काम हुआ था दोपहर में हुआ था, दोपहर होते होते दोस्तों हमें काम करते करते शाम हो चुका था, और दोपहर से लेकर दोस्तों 5 से 6 बजे तक हमने जितना शूट हो सका उतना किया। तो एक बार दोस्तों हमने जो काम किया वो फुटेज देख लीजिएगा आप, और उसमें दोस्तों अपन ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं उसे वॉइस ओवर कर दूंगा ताकि दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से समझ जाए। तो आप वो वीडियो देखें फिर आपसे बात करते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो भाई अपन आ चुके हैं गैरेज पर, अपना काम भी स्टार्ट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी दोस्तों हमें इसका जो हैंडल कौन सेट है वो खोलना होगा, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका हैंडल कौन सेट है, तो इसे खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों बाकी बाइकों के कंपैरिजन में अपना 220 का कौन सेट खोलना काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हमें फ्रंट टायर, इसका शॉकर वगैरह सब खोलना होगा, और बाद में दोस्तों हमें इसका वाइजर भी खोलना होगा, मतलब जो सामने का फेयरिंग है वो पूरा खोलना होगा हमें। तो चले दोस्तों अभी खोलते हैं फिर आपको बताते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो भाई अपना हैंडल कुछ इस प्रकार से खुल चुका है, तो अभी हमें इसका कौन सेट का नट खोलना होगा। तो भाई अपना कौन सेट नट भी खुल चुका है जैसे कि देख सकते हो, और हैंडल भी अपन ने साइड में कर लिया है तो कुछ इस प्रकार से। तो अभी दोस्तों हमें इसका जो वाइजर खोलना होगा और इसके जो शॉकर है वो भी खोलना होगा। तो दोस्तों आपको एक बार सामने से भी बाइक की कंडीशन दिखा देता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से बाइक हो चुकी है अपनी जैसे कि देख सकते हो आप। तो दोस्तों अभी इसे खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो
तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों और वीडियो पूरा देखिएगा। तो भाई सब कुछ अपन ने खोल लिया है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपने कौन सेट में प्ले है जैसे कि देख सकते हो आप। तो इसी के कारण दोस्तों वो जैम हो चुका था। तो अभी दोस्तों अपन इसे निकाल के अंदर के जो छर्रे हैं वो बदलेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अपन ने इसका कौन सेट निकाल लिया है, तो आपको कौन सेट की कंडीशन भी दिखा देता हूँ। तो चलो दोस्तों आपको एक बार कौन सेट की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से अपना कौन सेट है जैसे कि देख सकते हो आप। और ये जो नीचे का रिंग छर्रा है दोस्तों इसे भी चेंज करना है हमें। और ये जो ऊपर वाला है जो कि जैसे कि देख सकते हो आप, इसे भी चेंज करना है। तो ये सब चीज़ें चेंज करते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार से लगता है दोस्तों, ये ऊपर वाला है। तो अभी चेंज करते हैं दोस्तों इसे। तो आपको एक बार बाइक की कंडीशन भी दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से अपनी बाइक है, तो जैसे कि देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों आपको अभी कॉन्सर्ट होने के बाद दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों ये कुछ अपने छर्रे की कंडीशन है दोस्तों जैसे कि देख सकते हो। और ये अपने पुराने छर्रे है दोस्तों, इसे अपन ने निकाल लिया है। और ये कुछ इस प्रकार से, और दूसरा वाला भी दिखा देते हैं आपको। और ये कुछ इस प्रकार से, और ये दो कुछ इस प्रकार से। तो अभी इसका भी काम करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों अपन ये नए छर्रे डालने वाले हैं जैसे कि देख सकते हो आप, ये कुछ इस प्रकार से। अभी दोस्तों अपने जो पुराने छर्रे है उसे निकाल रहा है अपना भाई जैसे कि देख सकते हो आप। तो इसे निकालन देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो भाइयों इस ये रिंग में अपन ने छर्रे बैठा लिया है जैसे कि देख सकते हो आप, ये कुछ इस प्रकार से। और दूसरे रिंग का काम अपना भाई कर रहा है जैसे कि देख सकते हो आप, तो ये कुछ इस प्रकार से। तो होने के बाद आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो भाइयों ये भी रिंग अपना प्रॉपर तरीके से हो चुका है। तो भाइयों अभी इसमें हमें ग्रीस भरना है, उसके बाद दोस्तों हमें जो छर्रे की रिंग है इसमें इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अभी हमने इसमें छर्रे की रिंग इंस्टॉल कर दी है जैसे कि देख सकते हो आप। और इसी तरीके से दोस्तों अभी हमें नीचे का भी कुछ इसी तरीके से कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अभी नीचे का भी करते फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको दिखा देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से अपन ने छर्रे की रिंग लगा ली है जैसे कि देख सकते हो आप। तो आपको एक बार नीचे से भी दिखा देते हैं आपको। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहेगा। नीचे का भी बोर रिंग अपन ने इंस्टॉल कर लिया है जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप, कुछ इस प्रकार से। और ये कुछ दोस्तों अपना वाइजर है कुछ इस प्रकार से खुला हुआ है जैसे कि देख सकते हो। तो आपको एक बार और फिर से दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो अभी दोस्तों हमें इसमें कौन सेट इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अभी आपको बताते हैं कौन सेट इंस्टॉल होने के बाद, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों कौन सेट इंस्टॉलेशन के पहले इसे प्रॉपर तरीके से हमें साफ करना होगा। तो जैसे कि देख सकते हो अपना भाई प्रॉपर तरीके से इसे साफ कर रहा है। तो इसे दोस्तों साफ होने के बाद हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे। तो भाई को साफ करने देते फिर आपको बता दें, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो भाई अपन ने इसमें कौन सेट इंस्टॉल कर लिया, तो चले आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से अपना कौन सेट है दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आप। तो ये अपन ने इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी इसमें हमें प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें फिट कर लेना है। तो आपको एक बार फ्रंट से लुक दिखा देता हूँ दोस्तों कैसा क्या रहेगा। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों अपनी फॉगलैम की पट्टी भी टेढ़ी हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपना फ्रंट का लुक रहेगा अपने बाइक का जैसे कि देख सकते हो आप। तो दोस्तों अभी इसके सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रात हो गई इस कारण से आपको पूरा वीडियो दिखा नहीं पाऊँगा, और उसके लिए माफ़ी है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में तो आपने देखा होगा हमारे बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम थी और कैसे कैसे हमने इसे ठीक किया। तो एक्चुअली दोस्तों ऐसा है, ये है दोस्तों BS4 मॉडल, और इसका दोस्तों कौन सेट का काम करने के लिए दोस्तों हमें इसका दोस्तों पूरा वाइजर ही खोलना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका जैसे कि आपको आपको दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों इसका जो ऐसा बार दिया गया है, आई होप दोस्तों आपको क्लियर तरीके से दिख पाए। एक बार झूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये दोस्तों यहाँ पे इसका बार अटैच है जैसे कि देख सकते हो आप। आई होप दोस्तों आपको क्लियर तरीके से दिख पा रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार से।
और ये बार दोस्तों यहाँ पे अटैच है जैसे कि देख सकते हो आप। तो इसका दोस्तों कोन सेट का काम करने के लिए हमें ये पूरा वाइजर खोलना पड़ा। और BS3 के लिए दोस्तों ये इजीली निकल जाता है क्योंकि दोस्तों BS3 में इसका रॉड अलग साइड में है, मतलब दोस्तों सेपरेट है इस कारण से। तो ये तो हमें भी नहीं पता था दोस्तों, वो मैकेनिक जो है उसने ही बताया हमें। तो BS3 के लिए तो ये इजी काम है, पर BS4 के लिए दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इसे खोलना पड़ता है हमें। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, तो कुछ दोस्तों इस प्रकार से अपना काम हुआ है। तो दोस्तों काम तो अपना परफेक्ट हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। के लिए दोस्तों मैकेनिक को थम्स अप। दोस्तों जिस बंदे ने अपना बाइक का काम किया है, उस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा अपने बाइक में क्रैशेस कर दिए, आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों हल्के फुल्के क्रैशेस दिखेंगे आपको, ये कुछ इस प्रकार से जैसे कि देख सकते हो आप। आई होप दोस्तों आपको क्लियर दिख पाए। तो यहाँ पर भी एक क्रैशेस है और मेन दोस्तों अपना यहाँ पर क्रैशेस आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ इस प्रकार से। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप, अभी तो थोड़ा सा धूल है अपने बाइक में, तो ये कुछ इस प्रकार से। आई होप दोस्तों आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। तो बाकी तो दोस्तों काम परफेक्टली हो चुका है जैसे कि आपको पहले भी बताया मैंने। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों अपना जो क्रैशेस है इसके ऊपर होने वाला है, तो चैनल पर बने रहेगा। और ये भी रिमूव करेंगे अपन, और जहाँ जहाँ भी दोस्तों बाइक में क्रैशेस है वो सब रिमूव करेंगे अपन। जैसे कि यहाँ पे अभी दोस्तों अपन ने जो प्रोडक्ट अपने बाइक में यूज़ होने वाला है वो अपन ने ऑर्डर किया है, तो जैसे ही आता है दोस्तों अपन वो वीडियो शूट कर लेंगे। और ख़ास दोस्तों हमारा जो मेन काम ये था, इसका भी वीडियो अपन ने बनाया दोस्तों, इसका जो रबिंग का वीडियो दोस्तों अपन ने बनाया है, वो भी आप चैनल पे देख सकते हो। तो रबिंग में तो दोस्तों ये इस तरीके का क्रैशेस निकला नहीं था, तो ये भी क्रैशेस अपन रिमूव करेंगे जैसे कि देख सकते हो आप। तो रबिंग के बाद भी ये क्रैशेस नहीं गया था, तो ये कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर भी दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी हल्का फुल्का क्रैशेस है, होप दोस्तों आपको दिख रहा होगा। और ये भी दोस्तों सभी तरीके के क्रैशेस अपन रिमूव करेंगे, उसका भी वीडियो जल आएगा और उस वीडियो में अपन पूरे क्रैशेस रिमूव करेंगे। और जिससे दोस्तों क्रैशेस रिमूव होंगे वो प्रोडक्ट आप किसी भी बाइक पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपना बाइक का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। तो अगर दोस्तों आपके बाइक में कुछ इसी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो आप दोस्तों अपने नज़दीकी मैकेनिक के पास दिखा सकते हो, या दोस्तों आप शोरूम में भी विजिट कर सकते हो अगर दोस्तों आपके एरिया के शोरूम में एक दिन में काम हो जाता होगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, डिसलाइक का तो बटन हट चुका है। और इस बारे में कोई आपकी राय हो, कमेंट हो, तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।